अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वेलकम टू सविलास किचन। आज हम बनाएंगे कुलचे, जो ठेले पर छोले कुलचे मिलते हैं उसके कुलचे बनाएंगे आज हम। इसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा ली है। इस पर हम डालेंगे, ये 250 ग्राम के करीब मैदा है। आधा छोटा चम्मच डालूंगी मैं पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून है बेकिंग पाउडर, वन फोर टी स्पून है एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा और बेकिंग पाउडर की जगह आप यीस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खमीर का। वैसे बेकिंग पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है और बहुत महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है। 3 चम्मच मैंने लिया है दही का पानी, है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है गुनगुना पानी, इससे हम एक बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये मैदा को हमने गूंद दिया है, ये इस तरह का डो है कि बिल्कुल हाथ में ये ऐसे चिपक रहा है, तो इसी तरह का सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। अब इसको हम ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए किसी वॉर्म प्लेस पर, गर्माहट वाली जगह पर, ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। ये डो हमारा फर्मेंट हो चुका है। इसको मैंने कंबल के अंदर रख के और अलमारी के अंदर रख दिया था, गर्माहट से ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसको एक बार दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने ये डो दोबारा से गूंद दिया है। अब हम कुलचा बनाने के लिए थोड़े से डो लेंगे। हमें दो बनाने, तो एक पेड़ा और हम और बना लेते हैं। डस्ट करेंगे इसको मैदा में। कुलचा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, थोड़ा सा हम पतला ही बेलेंगे इसको। थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे क्योंकि बाहर जो कुलचे आते हैं थोड़े लंबे आते हैं। ऊपर से लगाएंगे हम ये हरा धनिया। एक बार दोबारा इसको ऐसे बेल देंगे, ये हरा धनिया चिपक जाएगा। इस हरा धनिया मैंने इस पर अच्छे से चिपका दिया है। अब हमें इससे में दोनों साइड पानी लगाना है, तो पहले मैं इस साइड पे पानी लगा देती हूँ। इसको हम तवे पे डाल देंगे। इसको हम सिकने देंगे। कुलचे को थोड़ा सा हम ऐसे दबा देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा कलर हमें इस पर नहीं लाना है। दूसरी साइड भी ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको सेक लेंगे कम फ्लेम पर। ये मैंने दूसरी साइड से भी सेक लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कलर हम नहीं लाएंगे। हल्का हल्का हम घी ऑयल या बटर लगा देंगे ऊपर से, लट देंगे, साइड से भी हम लगा देंगे। इसको हम उतार लेंगे। हम कुलचों के साथ छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने ये सफ़ेद मटर ली है। ये किसी भी आसपास की शॉप पर, परचून की शॉप पर, सुपर स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। जहाँ पर दाल चावल छोले चने ये मिलते हैं वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसको मैंने रात भर पानी के अंदर भिगो कर दिया था। अब इसको बॉईल करेंगे, इसको कुकर में डालेंगे। साथ ही डालेंगे हम इसमें हल्दी, 1 पीछे है मैंने हल्दी ली है। नमक और 1 पिंच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। और इसमें हम डालेंगे पानी,
आधा पौन ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इस कुकर का मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और इसमें एक विसल आने देंगे, एक सीटी आने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। मटर हमारी बॉयल हो चुकी है, ये बिल्कुल हमें इसी तरह की बॉयल करनी है। कुछ पीसीज ये साबुत हैं और कुछ बिल्कुल घुल चुके हैं, तो हमें इसी तरह का ये बॉयल करना है। बाज़ार वाले सेम इसी तरह से बॉयल करते हैं मटर को। ये हम मसाला बनाएंगे इसके लिए। ये मसाला अगर आप इस छोलों में डालोगे तो बिल्कुल बाज़ार के जैसे छोले लगेंगे। कोई नहीं कह सकता आपने घर में बनाए हैं। मेज़रमेंट के लिए मैंने ये चम्मच ली है जो आमतौर पर घर में यूज़ होती है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया नहीं है तो पिसा हुआ धनिया ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, सफ़ेद नमक, 1/2 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 हैं बड़ी इलायची और 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 जावित्री का फूल है, 1/4 टेबल स्पून लिया है मैंने सौंठ यानी जिंजर का पाउडर, अदरक का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है अजवाइन और 4 हैं ये लौंग। ये जो साबुत मसाले हैं इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद सभी मसालों को हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। अब हम ये छोले तैयार कर लेंगे। ये मसाला मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास सारे गर्म मसाले नहीं हैं तो आप जो घर में मौजूद हैं अवेलेबल हैं उससे भी ये गर्म मसाला तैयार कर सकते हैं। नहीं तो जो लाल मिर्च, नमक, काला नमक, गर्म मसाला, अमचूर पाउडर ये तो होता ही है घर में, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको सफ़ेद चने, छोले किसी में भी मिक्स करते हैं कर सकते हैं छोले मसाले की जगह। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने टमाटर काट लिए हैं फाइन और ये प्याज काट ली है। एक हरी मिर्च है मेरे पास बारीक वाली है तो मैंने ये बहुत थोड़ी सी काटी है। आपके पास मोटी हरी मिर्च है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तेज़ होती है इसलिए मैंने कम डाली है। हम इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। छोले का मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही नींबू भी डाल देंगे। ये छोले हमारे तैयार हैं। इसमें अगर थोड़ा सा नमक या मिर्च आपको कम लगती है तो इसमें और भी डाल सकते हैं। अब इनको हम सर्व करेंगे। ये हैं हमारे छोले कुलचे। बिल्कुल टेस्ट सेम वही है जो हम ठेले पर खाकर आते हैं। ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।